ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः ओम ब्रह्मवाय नमः। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो सभी प्रकार की चलाई गई बाधाओं को तो काटता ही है, इसके अलावा डाकनी साकनी भूत प्रेत जिन जिन्नाद मसान तंत्र की बाधा और इसके अलावा शत्रु की बाधा का भी नाशन करने वाला मंत्र माना जाता है। देशी मंत्र है और देशी मंत्र के बारे में आप जानते होंगे। यदि आप हमारा संकट नाशक चैनल खोल के देखेंगे तो आपको पता होगा कि देशी मंत्र किस हद तक असर करते हैं और आगे आने वाले समय में हम आपको असर भी दिखाएंगे कि किस हिसाब से देशी मंत्रों का असर होता है। थोड़ा सा नवरात्रों का समय बस नज़दीक ही है, फिर हम आपको दिखाएंगे लाइव की मंत्रों का असर होता कैसे है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे साधक लोग भी आने वाले हैं और जब साधक लोग आएंगे तो स्वाभाविक है कि वो साधना करेंगे और साधना करेंगे तो स्वाभाविक है मंत्र का परीक्षण भी करेंगे। तो उस समय हम आपको दिखाएंगे कि मंत्रों कैसे असर करते हैं और किस तरह इनकी साधना करनी चाहिए। ठीक है, आज जिस मंत्र के बारे में हम बताने वाले हैं यह है भैरव जी का एक देशी मंत्र है। हमने बताया आपको यह है तंत्र विद्याओं को, बुराई को और सभी प्रकार के शत्रुओं को, चलाई गई बाधा को, खिलाई गई बाधा को नाशन करने वाला मंत्र माना जाता है। वैसे तो आपने हमारे संकट नाशक पे और प्राचीन मंत्र पे अनेकों अनेक मंत्र या विधियाँ देखी होंगी, लेकिन जो हमारे पास देशी मंत्रों की विधियाँ हैं और खासकर कहा जाए कि गुरु जी ने जो बताई हैं, इतनी आसान विधियाँ हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब किसी व्यक्ति को गुमराह करना है तो हम जरूर बता दें कि नदी किनारे जाना भैया, 1,25,00,000 जप करना, हवा ना लगे कपड़े उतार के जप करना, ये सामग्री चढ़ाना वो चढ़ाना। तो हमारे यहाँ सात्विक पूजा होती है और साधारणतया ये देखिए परोपकार हेतु मंत्र हैं। हाँ, यदि आप इसी मंत्र का शत्रु नाशन में यदि प्रयोग करेंगे तो वास्तविकता में ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि विधि के आपके प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप मंत्र से प्रयोग क्या लेने वाले हैं। हम जो विधि बताने वाले हैं यह आपकी सुरक्षा के लिए है, भूत प्रेतों का नाशन के लिए है। किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा यदि है तो इस मंत्र से आप उस बाधा को दूर कर सकते हैं। किसी के ऊपर चलाई गई बाधा है, किसी शत्रु ने आपके ऊपर मसान जैसी बाधाओं का प्रयोग किया है, जिन जिन्नाद जैसी बाधाओं का प्रयोग किया है और इसके अलावा मरम मूठ तंत्र जैसी बाधाओं का यदि प्रयोग किया है, वशीकरण सम्मोहन जैसे तंत्र भी इस मंत्र से कट जाते हैं। ऐसी बाधाओं का यदि किसी ने आपके ऊपर या आपके मित्र के ऊपर यदि किसी ने प्रयोग किया है तो इस मंत्र से बड़ी आसानी से आप इन सारी चीज़ों को काट सकते हैं। कोई टोनाक नहीं करना, कोई टोटका नहीं करना, कोई लंबी विधि नहीं करना, बस साधारण आपको कुछ ही क्षणों में इसका रिजल्ट नज़र आएगा। क्योंकि देशी मंत्र ऐसे होते हैं कि इनका जो रिजल्ट है, मतलब इनका जो परिणाम है, वो कुछ ही मिनटों में आपको दिखाई देने लगता है। जैसे आपने इस मंत्र से किसी को यदि झाड़ा लगा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट बस इतना ही समय लगेगा, इसके बाद सामने वाला आदमी स्वस्थ हो जाता है। यदि वास्तविकता में उसके ऊपर कोई भूतक प्रेतक बाधा है, चलाई गई बाधा है, तब ठीक है। तो चलिए आज इसी मंत्र की हम सिद्ध प्रयोग विधि बताने वाले हैं आपको। वीडियो छोटा सा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मंत्र हम आपको सुना देते हैं। वैसे तो यह है संकट नाशक पे आपने हमारे इस मंत्र का श्रवण कर लिया होगा, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से भी फायदा होता है और श्रवण करने के अलावा समझ लीजिए कि जैसे ही आप श्रवण करना शुरू करते हैं तो आपको 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में आपको आपके शरीर में एकदम राहत नज़र आने लगती है, हल्कापन नज़र आने लगता है। और लगातार यदि आप इस मंत्र का श्रवण करते हैं तो लगातार श्रवण करने से वह बाधा नाशन भी हो जाती है। लेकिन कई लोग क्या है कि इतने बेसब्रे रहते हैं कि समझ लीजिए कि एक दो बार उन्होंने सुना, बोले अभी हमको पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा, वहीं उन्होंने मंत्र बंद कर दिया, तो अधूरा कार्य रह जाता है। इसे का मंत्रों श्रवण करने का विधान है कि आप उसको नित्य एक टाइमिंग बना लें और उस टाइम के हिसाब से डेली ज़्यादा ना सुने, 5 मिनट सुनते रहें बस। जब वह तीक्ष्ण मंत्र की ध्वनि आपके कानों के अंदर बार बार प्रवेश करेगी तो स्वाभाविक है भूत प्रेत और बाधाएं विचलित होंगी और विचलित होने के साथ साथ समझ लीजिए कि बाधाओं का धीरे धीरे नाशन हो जाता है।
चलिए मंत्र का हम आपको एक बार श्रवण कराते हैं। यह मंत्र आपको नवरात्रों में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी याद करना चाहते हैं तो हम इतना धीरे धीरे बोलने वाले हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस लिखिएगा नहीं, लिखने से मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर यह मंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने मंत्र सुने होंगे, बहुत सारे मंत्र आपको मिलते भी होंगे, ठीक है, सभी मंत्रों ने कार्य करना बंद कर दिया है। लगभग 100 में से मात्र 5 ही मंत्र कार्य करते हैं। तो उनका कारण यही है कि उसके लिखते समय जब उस समय उस मंत्र की रचना हो रही थी उस समय ही कुछ विधान ऐसे तय किए जाते हैं कि इस मंत्र को अब दोबारा लिखा नहीं जाएगा, तो या मुहूर्त दिए जाते हैं कि ऐसे मुहूर्तों पर इस मंत्र को लिखना चाहिए। तो हमारे यहाँ के जैसे बुंदेलखंडी मंत्र हैं, इनके मुहूर्त होते हैं। नवरात्रों में आप इस मंत्र को लिख सकते हैं, अमावस पूर्णिमा के दिन भी लिख सकते हैं, इसके अलावा दीपावली से लेकर एकादशी के बीच में भी इस मंत्र को लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनको फिर आपको हटाना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, विसर्जन करना पड़ेगा। ऐसी कुछ नियम हैं उल्टे सीधे। अब क्या है, कहते हैं ना कि पुराने लोग जो बना गए हैं बात उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने लोगों ने कहा है कि इन मंत्रों को नहीं लिखना चाहिए तो नहीं लिखते, और इसलिए धीरे धीरे बोलेंगे, आप याद कर लीजिएगा निसंकोच। चलिए सुनते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को काला भैरव कपिला केश, काला भेष भूत हाके 12 कोश, साकनी को डाकनी को पलितनी को राक्षस को भूतनी को जिन को जिन्नात को मशान को तंत्र को मंत्र को कुरु विद्या को खा, थप्पर में खून शत्रु का मुंड, अपनी को पराई को बुराई को तंत्र खा, माँ पार्वती की आन महादेव को मान, माता काली की दुहाई, ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ठीक है, इस तरह का यह मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से देखिए सुन लिया होगा। ठीक है, अब मंत्र जब आपने सुन लिया है तो चलिए अब इसकी विधि बता देते हैं, फिर इसका हम प्रयोग भी आपको बता देंगे। विधि बहुत ही आसान है, हमने इतने धीमे बोला है कि आपको आसानी से मंत्र याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लिखावट की जरूरत है तो बैठकी के दिन मतलब नवरात्रों के आसपास आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा या टेलीग्राम में हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, हम तत्काल ही आपको लिख के दे देंगे, एक शर्त पे कि आपको अष्टमी से पहले उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस मंत्र को नवरात्रों के समय में ही लगभग सिद्ध किया जाता है। बुंदेलखंडी और देशी मंत्र जो होते हैं लगभग नवरात्रों में, दीपावली में, एकादशी में, ऐसे समय में इनको सिद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसके आप ऐसे विधान है कि यदि रविवार आपको अमावस्या मिलती है तो उस दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं, उसके अलावा नवरात्रों में तो करना ही करना है तो कर ही लीजिएगा। इसके अलावा दीपावली से लेकर एकादशी के बीच में 11 दिन मिलते हैं, किसी भी दिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करना चाहिए, इसको 2100 इसका मात्र जाप करना है, खाली 2100 मतलब 2100 जाप करने मतलब 21 माला मान लीजिए आप, 21 माला आप इसका जाप कर दीजिए और 108 इसको खप्पर में आपको हवन करना है। अब इस मंत्र का ये है कि कहीं बाहर नहीं करना है, इसको आप घर में ही बैठ के इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं और घर में ही इसका विधि विधान कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है 2100 मात्र इसका जाप करना है। ठीक है, और 108 बार इसी मंत्र के द्वारा आपको खप्पर में हवन करना है, साधारण वेदी में नहीं, खप्पर आपको बना लेना है, वेदी खप्पर बनाने की नीचे कहीं पड़ी होगी, खप्पर में आपको हवन कर देना है। सामग्री में मीठी वाली पूड़ी जिसे पुआ वगैरह कहते हैं, गुड़ डाल के जो पूड़ियाँ बनती हैं ऐसी वाली पूड़ी, नारियल चढ़ाना है भगवान भैरवनाथ को, और इसके अलावा आप चाहें तो उन्हें काले वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, शस्त्र के रूप में इन्हें बाना दे सकते हैं क्योंकि देवी का बाना भी इनको चल जाता है, तो देवी का बाना शस्त्र के रूप में इनको आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो त्रिशूल इनका प्रिय शस्त्र है, तो चाहें तो त्रिशूल चढ़ा दीजिए। ठीक है, जो आपका मन हो, और नींबू इनको भी पसंद है तो नींबू भी इनके पास चढ़ाया करिए जरूर। ठीक है, इतनी कुल सामग्री चढ़ानी है, उल्टा सीधा इसमें कुछ नहीं करना है। नवरात्रों में ढंड कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती, आप साधारणतया मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं छोटी सी हवन सामग्री में। हाँ, अब इसी को आप रविवार वाली अमावस्या को सिद्ध करेंगे तो आपको फिर पूरे विधि विधान चाहिए, वो उसमें बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, घर में भी आप उस मंत्र को उस पर सिद्ध नहीं कर सकते, आपको बाहर एकांत की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी अलग से चीज़ें लगती हैं, तो उस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना के दे देंगे जो अमावस्या का इंतजार करेंगे। बाकी आप नवरात्रों में तो साधारण विधि से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं, तो आप भी कर लीजिए, कार्य करेगा मंत्र। ठीक है,
अब आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया। अब इसका आता है प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इस मंत्र का प्रयोग भी बहुत आसान है, इतना प्रयोग आसान है कि आपको एक चार मुख का दीपक जलाना है। जैसे आप घर में घर की बाधा का हरण करना है तो घर में भी आप चार मुख का दीपक कहीं बना कुएं में बना के बैठ सकते हैं। इसके अलावा यदि दूसरे की बाधा हरण करनी है तब भी आपको यही क्रिया अपनानी पड़ेगी। तो बढ़िया एक कोने में, जिसका उत्तर पूरा हो ऐसा कोना, उस कोने में आप एक चार मुख का दीपक जलाइए। एक मुट्ठी गेहूँ, एक मुट्ठी जो गेहूँ होते हैं वो बढ़िया सामने मुट्ठी भर गेहूँ दीपक के सामने रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद इस मंत्र का आप मन ही मन एक बार पाठन करिए और थोड़ी सी गेहूँ इतने अंदाज से आँख बंद करके उठाइए और दूसरी जगह वहाँ से उठा के अलग रख दीजिए। यदि गेहूँ ऊने हैं, ऊने का मतलब समझते हैं विषम हैं, फिर उनको गिनना भी है आपको, यदि विषम है गेहूँ तो समझ लेना कि भैरव बाबा का आदेश मिल गया है मंत्र प्रयोग करने के लिए। और जब विषम गेहूँ आए तो ऐसा आपको तीन बार मिलना चाहिए, तीन बार उठा के अलग अलग जगह रखिएगा ऐसी गेहूँ, ऐसे उठा के अलग अलग जगह रख दीजिएगा और फिर उनको थोड़े थोड़े अंदाज से, अब गिनना नहीं है मतलब अंदाज से उठाना है, बिल्कुल एकदम आँख बंद करके झटके से अलग रख देना है, ठीक है। और तीनों जो तीन जगह आपने अलग अलग रखे हैं, यदि तीनों गेहूँ विषम आते हैं तो समझ लेना बाबा जी का आदेश मिल गया है, अब आप इस मंत्र का झाड़ा फूकों में प्रयोग करने के लिए रेडी हैं। अब उनमें जो ऊने गेहूँ आए हैं मतलब विषम आए हैं तो उसमें से अक्सर होता है तीन होते हैं, पाँच होते हैं, सात होते हैं, ग्यारह होते हैं, इक्कीस होते हैं, ऐसे गेहूँ मिलेंगे आपको। तो जो एक्स्ट्रा गेहूँ बचता है उसमें से एक एक गेहूँ आपको उठा लेना है अपने दाहिने हाथ में, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आप जिसके प्रेत झाड़ना चाहते हैं उन्हीं गेहूँ से फिर आपको झड़ाई करनी है, उन गेहूँ से चाहे तो इन गेहूँ की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, जितने बार आपको विषम गेहूँ मिलते जाएँ, विषम दाने मिलते जाएँ उतने बार आप गेहूँ निकालते जाइए, सात ग्यारह ऐसे इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है, और अपने हाथ में बाएं हाथ में उनको बढ़िया से रखिए। अब इस मंत्र को आप पढ़ना शुरू करिए और एक गेहूँ उठाइए, एक गेहूँ उठाइए, ठीक है, और उसके ऊपर बढ़िया सिर के ऊपर से उसको इस तरह घुमाइए और उसी के सिर पर मार दीजिए, ओम भ्रम भैरवाय नमः। हम भैरवाय पढ़ रहे हैं, आप मंत्र पढ़ के मारिएगा, ठीक है, यही जो हमने बताया है। और इस तरह आपको 7 से 11 बार इस मंत्र का उसके ऊपर प्रहार करना है। इतने में अक्सर ये होता है जैसे भूत प्रेत बाधा होती है ना, सवारी आ जाती है तो सवारी आने से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा आप इस मंत्र को पढ़ते रहिए, सवारी अपने आप ही संभल जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और भूत प्रेताओं का नाशन हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से मंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो जो हमारा पीछे देख रहे होंगे एक बाना रखा होगा, एक बाना आप बनवाइएगा, उसको हाथ में पकड़िएगा और इस बाना के सहारे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप झाड़ा लगा सकते हैं। बाना वाला जो है बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन रोगी से थोड़ा सा दूर बैठ के करना है ये कार्य, चोटिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा दूर बैठ से लगभग 5 कदम दूर बैठ के यह कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र से भी आप, बाना से भी आप 11 से 21 बार झाड़ा लगा सकते हैं, इतने में यह भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। मोर का पंख भी आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तब भी यह बाधा खत्म हो जाएगी। उड़द के दाने, उड़द के दानों से भी इसी तरह झाड़ा लगा सकते हैं, एक बार मंत्र पढ़िए उड़द का दाना उसके शरीर पर फेंक के मारिए, ऐसा करने से भी बाधा का नाशन हो जाता है। जब मंत्र आपको निश्चिंत पूरी तरह यकीन हो जाए कि अब बाधा इसके शरीर में नहीं है, तब उसके थोड़े से बाल काटिए, ये हर मंत्र का लगभग एक जैसा प्रयोग होता है, उसके थोड़े से बाल ले लीजिए, थोड़ा सा नाखून का टुकड़ा ले लीजिए, नींबू के अंदर रखिए, एक नींबू जो हमने बताया कि नींबू एक रखना अनिवार्य है, तो नींबू को काट के बीच से उसके बीच में ये सारी चीज़ें रखिए, ऊपर से आप उसके ऊपर इसी मंत्र को पढ़ते हुए धागा बांध दीजिए और उस नींबू को जाके कहीं गड्ढा खोद कर 2-2.5 फीट का कहीं दूर, घर से जनसंख्या से दूर कहीं एकांत में उस नींबू को गड़ा दीजिए। शमशान में गड़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन भाई शमशान में जाने से सबको डरते हैं, कहीं एकांत में जंगल में नदी किनारे ऐसी जगह जहाँ उसको कोई निकाल लेना है कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर नींबू जब रहेगा तो वैसे भी वो 2-4-6 महीने में गल के ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, उसके बाद धागा ही वैसे बचेगा तो वो भी कुछ सालों बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको इतने नीचे गड़ाया करिए कि आसानी तय कोई निकाल ना पाए। तो समझ लीजिए कि यही वो गड़ा नींबू जमीन में
21 दिन 51 दिन या 90 दिन भी जमीन के अंदर रह गया तो इन बाधाओं का सीधा नरक गमन हो जाता है। मतलब ये बाधाएं दोबारा फिर कभी परेशान नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आप ये छोटी सी विधि समझ गए होंगे। इसकी यदि आपको अमावस्या वाली विधि चाहिए या रवि पुष्य योग वाली विधि चाहिए कमेंट करिएगा, हम उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो विधि थोड़ा सा जटिल होती है, आसान है इसलिए हमने आपको बता दी ताकि नवरात्रें आ रही हैं, आप आसान विधि को सिद्ध कर अपना जो परिणाम है वो ले सकते हैं, अपना फल पा सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, स्वयं की बाधा का भी हरण कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम। आवश्यक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। अब टेलीग्राम में अपना सवाल ही लिखिएगा प्राइवेट में जाके तो जवाब मिलेगा। हाय हेलो में देखिए जवाब नहीं मिल पाएगा, आपको अपना सवाल रखना पड़ेगा। प्राइवेट चैट में जाइएगा और वहाँ आप अपना सवाल रखिएगा तो वहाँ हमारा नंबर भी हम उपलब्ध करा देंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ओपन चैट में सिर्फ ज्वाइन करने के लिए है, सिर्फ आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ओनर पर जाके क्लिक करिएगा और वहाँ जाके हमको मैसेज करिएगा तो आपके सवाल का जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। और कुछ लोग भैया बहुत परेशान कर रहे हैं रात को 1-1 बजे फ़ोन लगा के, तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि कृपया समय का ध्यान दें, 9 बजे से या 10 बजे से 12 बजे तक देखिए ठीक है दिन में। अब रात के 12 बजे कोई फ़ोन लगाए या दिन भर फ़ोन लगाए तो भैया ऐसे लोगों के नंबर हम ब्लॉक कर देंगे या कुछ और नियम लागू करेंगे। तो दूसरों का भी उसमें नुकसान होता है कि कोई किसी को एमरजेंसी यदि पड़ी होती है और फ़ोन लगाता है तो हमको लगने लगता है कि तो परेशान करने के लिए लगा रहा है। तो सभी लोग टाइम से फ़ोन लगाएं। आप जिसको विशेष ही देखिए इमरजेंसी है तो वो मैसेज कर सकता है, अपना नंबर छोड़ सकता है, तो हम उसको ज़रूर टाइम से फ़ोन लगा लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की।